हे गाइस, वेलकम बैक टू थ्योरी ऑफ थ्योरी। गाइस, 2020 हम सबके लिए एक हॉरर मूवी से कम नहीं था, पर अब जब चीज़ें 2021 में धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है, वैसे ही कई सारी मूवी प्रोजेक्ट्स भी 2021 में लोगों को हॉरर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए रिलीज होने वाली है। आज हम आपको 2021 में कुछ ऐसी अपकमिंग हॉरर मूवीज के बारे में बताने वाले हैं, और जिसे देखने के लिए दुनिया भर के कई सारे हॉरर फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट। कॉन्जरिंग मूवी स्टार्टिंग से ही रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन के रियल लाइफ केसेस पर ही बेस्ड है, और ये मूवी इसी कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट है। और इस कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज के फर्स्ट पार्ट को दुनिया की बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक माना जाता है, और इसी फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट एक रियल लाइफ मर्डर ट्रायल पर बेस्ड है, जिसमें एन शाइन जॉनसन की स्टोरी को बताया गया है। ये केस अमेरिका का सबसे पहला केस था जिसमें डेमोनिक पोजीशन को एक मर्डर का रीजन बता के कोर्ट के सामने पेश किया गया था। जो भी हॉरर मूवीज रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड होती है वो नेचुरली ही स्कैरी बन जाती है, और कॉन्जरिंग 3 भी कुछ ऐसी ही मूवीज में से एक है जो ये साल जून के महीने में रिलीज होने वाली है। रेसिडेंट ईविल। Resident Evil एक सर्वाइवल हॉरर मूवी है जो कि एक पॉपुलर गेम Resident Evil पर बेस्ड है। इस गेम का बहुत ही बड़ा फैन बेस है, और ये सारे फैंस इस मूवी को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। Resident Evil फ्रेंचाइज की और भी मूवीज पहले रिलीज हो चुकी है, पर 2001 की इस मूवी को इस सीरीज का रीबूट माना जा रहा है। इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के अनुसार ये मूवी 1998 पर बेस्ड होगी, और इसकी स्टोरी ओरिजिनल गेम के फर्स्ट और सेकंड पार्ट पर बेस्ड होगी, जिसमें लोगों को शायद से गेम पर बेस्ड लोकेशन जैसे स्पेंसर मैंशन और रेकून सिटी देखने मिलेगी। द फॉरएवर पर्ज। फॉरएवर पर्ज पर्ज फ्रेंचाइज की फिफ्थ और फाइनल फिल्म है, और ये मूवी एक फिक्शनल अमेरिका पर बेस्ड है जिसमें साल के एक दिन 12 घंटे के लिए सारे ही क्राइम्स लीगल हो जाते हैं। पर्ज फ्रेंचाइज की फिल्म्स बहुत ही ज्यादा क्रीपी होती है, और ये मूवी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी कई सारी चीजें बताती है। इस मूवी के फिफ्थ पार्ट के प्लॉट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस वक्त पर अवेलेबल नहीं है, पर ये मूवी 2020 में रिलीज होने वाली थी, पर 2020 में दुनिया भर में हुए कई सारे प्रॉब्लम्स के वजह से ये फिल्म इसी साल 2021 में रिलीज होने वाली है। स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ। स्पाइरल सॉ फ्रेंचाइज की सबसे लेटेस्ट एंट्री है, और इस फ्रेंचाइज में सबसे पहली मूवी 2003 से 4 के बीच में आई थी, और तब से इस फ्रेंचाइज में कई सारे हिट मूवीज रिलीज होते आए हैं। सॉ मूवीज अपने गोर एलिमेंट्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, और अब 2021 में ये सीरीज एक ब्रांड न्यू टाइटल स्पाइरल के साथ रिलीज होने वाली है। इस मूवी में क्रिस रॉक एक डिटेक्टिव का रोल करने वाले हैं, जो कि अपने पहले की सॉ मूवीज में हुए क्राइम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस मूवी के भी कई सारे हॉरर फैंस हैं, और ये मूवी इसी साल मई के महीने में रिलीज होने वाली है। मॉर्बियस। 1971 के मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किए गए ये कैरेक्टर मॉर्बियस द लिविंग वैम्पायर पर एक फाइनली मूवी आने वाली है। इस 2021 की मूवी में हम एक आदमी माइकल मॉर्बियस की स्टोरी को देखने वाले हैं, जो अपने ब्लड डिजीज को क्योर करने के चक्कर में एक वैम्पायर बन जाता है। ये मूवी सोनी पिक्चर्स के स्पाइडरवर्स सीरीज का एक पार्ट है, और ये मूवी में कई सारे स्पाइडरमैन मूवी के रेफरेंसेस भी हो सकते हैं। इस मूवी को एक एक्शन पैक हॉरर मूवी बताया जा रहा है, जिसके लिए कई सारे मार्वल कॉमिक के फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। ये मूवी होपफुली इसी साल रिलीज होगी, पर इस मूवी के डिले होने की भी बात कुछ सोर्सेस के द्वारा की जा रही है। अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2। क्वाइट प्लेस पार्ट 2 2018 की ओरिजिनल मूवी की एक सीक्वल है, जो अपने फर्स्ट पार्ट के ओरिजिनल कैरेक्टर्स की स्टोरी को फॉलो करती है, और जिसमें उन्हें अपने फर्स्ट पार्ट में दिखाए गए फार्म हाउस को छोड़कर जाना पड़ता है, और इस पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड के मॉन्स्टर से बचकर सर्वाइव करना पड़ता है। इस मूवी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस वक्त मौजूद नहीं है, पर इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को 2018 की बेस्ट हॉरर मूवी माना जाता है, और कई सारे हॉरर फैंस इस मूवी के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी पार्ट 7। पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक बहुत ही फेमस फ्रेंचाइज है, जिसमें अब तक 6 फिल्म्स रिलीज हो चुकी है। इन मूवीज को एक फाउंड फुटेज के रूप में शूट किया गया है, और ये मूवी एक फैमिली पर बेस्ड है, जो कि कई सारे जेनरेशन से एक डीमन के द्वारा कर्स्ड और पोजेस्ड है।
वैसे तो इस मूवी के कास्ट और स्टोरी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस वक्त अवेलेबल नहीं है, पर इस पॉपुलर मूवी फ्रेंचाइज के भी कई सारे फैंस हैं। इस मूवी के यही साल मार्च के महीने में रिलीज होने का प्लान है, पर कुछ सोर्सेस के अनुसार ये मूवी कुछ डिले भी हो सकती है। हैलोवीन किल्स। ओरिजिनल हैलोवीन मूवी को एक ऑल टाइम हॉरर क्लासिक माना जाता है और इस फ्रेंचाइज में कई सारे मूवीज 1970 से बनते आए हैं। इस फ्रेंचाइज के 2018 में रिलीज हुई मूवी के हिट होने के बाद फाइनली इस मूवी के कई सारे फैंस को 2021 और 22 में दो मूवीज हैलोवीन किल्स और हैलोवीन एंड्स देखने के लिए मिलने वाली है। ये हॉरर मूवी एक बहुत ही फेमस फिक्शनल कैरेक्टर माइकल मायर्स पर बेस्ड है और इस फिक्शनल सीरियल किलर के दुनिया भर में कई सारे हॉरर फैंस हैं और ये मूवी इसी साल अक्टूबर के महीने में रिलीज होने वाली है। सो गाइज, ये था हमारा एक वीडियो 2021 में रिलीज होने वाली हॉरर मूवीज के बारे में। आप इन मूवीज में से कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोज मिस ना कर पाए। और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलना। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइस, और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।